कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे को तो विश्वास ही नहीं था भाई यहाँ पे ब्राज़ील में प्रॉपर इंडियन खाना। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारा 6th डे है साओ पाउलो में, और आज हमसे मिलना है सिद्धांत भाई। सिद्धांत भाई हैं, वो भी मैरिड हैं ब्राज़ील में और यहीं रहते हैं, पीआर हैं वो भी। और अभी उनका भारत जाने का प्लान बन रहा था तो वो साओ पाउलो आए थे, तो वो मिलने आए। हमने कहा चलो यार अविनीता पाउलिस्टा जो है वो घुमाते हैं, उनको उनके साथ घूमेंगे यहाँ पर, है ना। और फिर हम लोग कहीं खाना वाना खाएंगे और देखते हैं आज क्या करेंगे, और है ना। और बताओ सिद्धांत भाई कैसा लग रहा है साओ पाउलो? बहुत अच्छा लग रहा है साओ पाउलो, बहुत बढ़िया है। तो आप अभी कब से हो ब्राज़ील में? ब्राज़ील में मैं अभी हूँ लास्ट दिसंबर से हो, काफ़ी टाइम हो गया ना। अच्छा, और ये बताओ आपको क्या लगा ब्राज़ील के बारे में? मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके, कहने को डेवलपिंग कंट्री है बट इट्स मोर लाइक अ डेवलप्ड कंट्री। अभी जैसे रशिया है डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया से थोड़ा इंडिया से थोड़ी एडवांस है उसी तरह ब्राज़ील की। लोग थोड़ा कम जानते हैं भारत में ब्राज़ील के बारे में, लेकिन ब्राज़ील बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही डेवलप्ड है, सिस्टमैटिक है, ट्रैफिक सेंस है। यहाँ पे क्या होता है भाई, जैसे अभी हम चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी वो लोग खींच के भाग जाते हैं। अभी जब मैं आया ना टैक्सी से, तो बड़े सारे होमलेस लोग बैठे हुए। हाँ, तो यहाँ पे ये जो दोस्तों अविनीता पाउलिस्टा है ना, यहाँ पे अभी केस हुआ था कुछ, मेरे ख्याल से यात्री डॉक्टर के बाद ही ये केस हुआ था जब मैं कुर्तिबा में था उस टाइम। तो यहाँ अविनीता पाउलिस्टा जहाँ हम लोग फ़ोटो ले रहे थे ना सेंट्रो में, वहाँ पे एक जर्नलिस्ट जो था वो वीडियो बना रहा था, तो उसका जो है कैमरे ही लेके कोई भाग गया, और वो पता है कौन था, साइकिल पे आया था बंदा, ऐसा हुआ था। तो भाइयों बहनों ऐसा होता है यहाँ पे, थोड़ा सा अलर्ट रहने में कोई वो डरने वाली बात नहीं है। मुझे कहते हैं भाई डरते हो थोड़ा बहुत, तो अलर्ट ऐसे देश में हो जहाँ केसेस होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। और आप कहाँ पे भाई है? बाहिया में थे ना? मैं बाहिया में था, मैं नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में था बाहिया में। ओके, ये काफ़ी डेवलप्ड एरिया है कंपेयर टू नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील। ओके, हालांकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील भी बहुत अच्छा है, अगर आप कंपेयर करो इंडिया के सिस्टम से तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन हाँ, साउथ का जो पोर्शन है ये इट्स मोर लाइक यूरोप, यूरोप की तरह है, काफ़ी अच्छा है। और वो जो बाहिया है वो वहाँ पे कैसा लगा, क्राइम का सीन कैसा है वहाँ, है क्या भाई? एक चीज़ जो मुझे हैरान करती है कि वो क्राइम के बारे में न्यूज़ चैनल पे ज़्यादा सुनता हूँ, लेकिन अच्छा। मैं ब्राज़ील में 2016 से आ रहा हूँ, तो अराउंड 5 ईयर्स हो गए मेरे को यहाँ पे आते जाते। ओके, कभी कोई क्राइम देखा नहीं मैंने यहाँ पे, स्ट्रीट पे भी नहीं देखा, बल्कि नहीं वो देखा नहीं, क्योंकि हम लोग प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं ना, जैसे रात को नहीं जाना, बिल्कुल ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, और इसीलिए नहीं आपने देखा। लेकिन बाकी कैसा लगा बाहिया आपको? बाहिया बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है, जैसे हमारे इंडिया में केरला है बिल्कुल वैसा ही स्टेट है, बिल्कुल नेचुरल प्लेस है। राजा भैया से मेरा मिलने का सपना था काफ़ी साल हो गए, एक्चुअली 2017 से ही मैं चैनल को फॉलो कर रहा हूँ। ओके, जब 3000 सब्सक्राइबर थे तब से मैं राजा भैया को फॉलो कर रहा हूँ, और अभी तो 7-8 गुना है सब्सक्राइबर, अब तो बहुत, अब 22500 हो गए समथिंग। राजा भैया के चैनल ने मेरी बहुत हेल्प करी, कोई एक्चुअली 2016 में जब मैं आया था ना तो कोई बताने वाला नहीं था कि वीज़ा के लिए क्या करूँ। हाँ 2017 मतलब मेरे पहले ऐसा कोई बहुत चैनल ऐसा कोई नहीं था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी 2016 में, कोई भी बताने वाला नहीं था, एम्बेसी भी सीधे मुँह से बात नहीं करती थी, कुछ बताते ही नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा खुद ही रिसर्च करना पड़ता था, बहुत समय ख़राब होता था। Okay. लेकिन राजा भैया के चैनल ने वो सारी चीज़ें आसान कर दी हम सभी इंडियंस के लिए,
और खास तौर पे जिनकी यहाँ पे गर्लफ्रेंड है आना चाहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये सारी कर दिया सिस्टम अभी। बस वही चैनल के वीडियोस देख लो और ठीक है। चलो बढ़िया यार भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने ही जो है वो चैनल फॉलो करते थे और इन्होंने फिर जो है मैसेज करते थे मुझे, तो हमने फिर नंबर एक्सचेंज किया था, तो तब से दोस्ती हमारी कई साल हो गए। मैं रियो में था शायद तब से ही हमारी बात हो रही है, तो बहुत टाइम से है मिलना, आज हो रहा है। हाँ मिलना आज हो रहा है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वो साउथ पोलो से तकरीबन 1600 किलोमीटर है। हाँ हाँ वो तो बाहर बहुत दूर है, और यहाँ पे ट्रेन का सिस्टम भी नहीं है। ट्रेन का सिस्टम नहीं है ब्राज़ील में, या तो फ्लाइट है या तो बस है, वही है सब। और बस से अगर आप बाहिया से आओगे तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम लगेगा आपको। भाई तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं। वही 36 hours के अराउंड। वही तो यही सब चक्कर है, लेकिन बसेस बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। इंटर स्टेट जो बसेस हैं बहुत अच्छी हैं, मतलब बसेस में वाईफाई भी होता है, टाइम पास भी हो जाता है, टॉयलेट भी होता है। ऐसा नहीं कहीं खेतों में बस रुक जाएगी ऐसे। वो तो सुबह के 4 बजे, वो तो बात सही है। वो तो फैक्ट है, मतलब काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब हम इंडिया की बुराई नहीं कर रहे या कोई नहीं करता, यहाँ पे एक फैक्ट है कि काफ़ी कुछ सिस्टमेटिक हैं चीज़ें और है ना प्रॉपरली मेंटेन है। अभी भारत में भी हो गया, मैं मुझे तो देखो यार भारत छोड़े 4 साल हो गए, तो मुझे तो कुछ खास पता ही नहीं है अभी कैसा होगा। अभी मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं एज अ फॉरेनर जाऊँगा इंडिया। यहाँ पे आके पूरे जो है ब्राज़ीलियन सी हो गए। लोकल सेम स्टाइल है। तो बस ऐसे ही है भाई। तो अभी ये जो है ये वही एरिया है जहाँ पे हम लोग वीडियो बना रहे थे यात्री डॉक्टर के साथ। बहुत अच्छा एरिया, ये यहाँ का कनॉट प्लेस है। अच्छा कनॉट प्लेस जैसा लग रहा है, यहाँ का कनॉट प्लेस है। ओके वेजिटेरियन नहीं मिलता। हाँ ये प्रॉब्लम है मैकडी पे, इशू ये है कि भाई वेजिटेरियन नहीं मिलता। और रियो में मैं एक बार खा भी चुका हूँ वेजिटेरियन, लेकिन ऐसा ही है, किस्मत की बात है, वो कहीं मिल जाता कहीं नहीं मिलता। मोस्टली 99% केसेस में नहीं मिलता। वेजिटेरियंस के लिए एक ऑप्शन है, हम लोग सबवे जा सकते हैं। सबवे में मस्त है भाई, सबवे में कैसा होता है वो सैलेड वाले आपको बहुत बढ़िया चीज़ वाला टेस्टी चीज़ मिल जाएगी कुछ ऐसा है। नहीं तो वेजिटेरियन में फिर आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना पड़ेगा, स्पेशल ऑर्डर करना पड़ता है वो, उसमें इतना चीज़ डाल देते हैं कि आप भूख जाओगे खा खा के चीज़। वही वही।
तो दोस्तों हम लोग अवेनिदा पावलिस्ता से निकल गए हैं वॉक करते करते, और अवेनिदा पावलिस्ता के पास ही है रीत नमस्ते रेस्टोरेंट, जो हम यात्री डॉक्टर को लेके आए थे। ठीक है, तो आज हम एक और व्लॉग यहाँ पे करेंगे, और ख़ास बात यह है दोस्तों कि रीत नमस्ते रेस्टोरेंट में बुफे है। ठीक है, 29.90 ब्राज़ीलियन रियाल में बुफे है, और अब मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, 12 बजे से है 3 बजे तक। तो आज हम लोग यहाँ आए, ये वही है, और सिद्धांत भाई हैं हमारे साथ। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन इंडियन रेस्टोरेंट, फर्स्ट टाइम इन इंडियन रेस्टोरेंट, ओके, पहले कभी नहीं आया था। तो सिद्धांत भाई, आज हम लोग बुफे खाने वाले हैं, इंडियन खाना, इंडियन खाना, 100 फॉलोअर में, वाह क्या बात है। ठीक है, तो दोस्तों रीत नमस्ते में बुफे है, और यहाँ से हम लोग सर्व कर सकते हैं। तो लोग हैं अच्छा, वो कंपलसरी है, तो नो वरी, नो वरी। यहाँ पे शायद अचार है और क्या है, पनीर है। तो दोस्तों काफ़ी सारी वैरायटी थी खाने की, जैसे पनीर की सब्जी थी एक, राइस थे दो तरह के, उसके बाद नान था, फिर एक आलू मटर की सब्जी थी, और साथ में एक मिक्स वेज थी, वेज कोल्हापुरी थी शायद। तो काफ़ी कुछ वैरायटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये जो बुफे है रीत नमस्ते का, ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे 29 रियाल में। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो आप, रीत नमस्ते का बुफे ट्राई कर रहे हैं आज हम, और मेरी थोड़ी आदत है ना ब्राज़ीलियन टाइप हो गई, मैंने राइस भी अभी ले लिया, और यहाँ पे पनीर है, यहाँ पे मिक्स वेज, वेज कोल्हापुरी जैसी है, और आलू मटर है। इतनी वैरायटी वाला खाना मैं पहली बार खा रहा हूँ। सही बात है भाई, और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा तो विश्वास ही नहीं भाई, यहाँ पे ब्राज़ील में प्रॉपर इंडियन खाना। ओके, तो चलो हम खाते हैं और टेस्ट करते हैं कि खाना कैसा है, है ना। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टेस्टी। अभी 8 महीने बाद नान खा। हाँ, तो यहाँ पे आपको ना साओ पाउलो में हो, ये अवेनिदा पावलिस्ता घूमने आते हो, तो एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सिर्फ 900 मीटर या 1 किलोमीटर। तो ऐसे ही घूमते फिरते आ सकते हो आप यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं रीत नमस्ते रेस्टोरेंट से खाना खा के, बहुत टेस्टी खाना था। कैसा लगा दोस्तों? मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया खाना खा के एकदम घर की फील आ गई भाई, मम्मी के आते खाना याद आ गया। और आपने चाय भी पी थी, कैसी थी चाय? चाय तो मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने तो भाई 2 चाय पी बैक टू बैक। दो चाय भाई ने, 2 चाय पी ली भाई। तीसरी मैंने इसलिए नहीं पी, मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा। ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई जो है ना, बहुत जन्मों बाद भारतीय खाना खाया, वही 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 ऐसे ही हो गया। तो दोस्तों चल चल के हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ से हम अभी ऊपर जाएंगे, तो वहाँ अवेनिदा पावलिस्ता है ना, और यहाँ पे सिद्धांत भाई हैं, है ना। कैसा लग रहा है यहाँ पे भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, सही जगह है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। हाँ, तो बस अभी जो है हम लोग दोनों लाइव करने का प्लान कर रहे हैं, थोड़े मज़े लेने का तुम लोगों के। ठीक, तो दोस्तों सिद्धांत भाई जो हैं वो चले गए हैं, उनकी गाड़ी आ गई थी और टैक्सी बुला के वो निकल गए हैं, मैं अपनी मेट्रो पकड़ने वाला हूँ। अवेनिदा पावलिस्ता पे हैं हम, पावलिस्ता एवेन्यू कहते हैं इसको पोर्तुगीज़ में, अवेनिदा पावलिस्ता, और यहाँ पे ही वो सब प्रदर्शन होते हैं, कभी प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ कभी किसी के ख़िलाफ़। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वही मेट्रो है स्टेशन जो आपने देखा था यात्री डॉक्टर के वीडियो वालों में, और ये है। ठीक है, अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।